गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गन की स्टडी कर ली है। हम लोग आज जो प्रेजेंट वीडियो हैं, इस वीडियो में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गन की स्टडी करेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गन किस प्रकार से मुझे हार्म पहुंचाता है, किस प्रकार से इसका बैड इफेक्ट हमारी लाइफ में आता है, या और कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गन के। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनकी स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो पहले वो टर्म्स पढ़ लेते हैं, फिर हम हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस और इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड इज द पैथोजेंस। पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड द पैथोजेंस। ये डिफिनीशन आपसे पूछी जाती है, एग्जाम्स में डिफिनीशन पूछी जाती है। तो ये पैथोजेंस की डिफिनीशन हो गई, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करेंगे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में, उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। अच्छा, इसी पैथोजेंस से रिलेटेड वर्ड आया है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, पैथोलॉजी। देखिए, पैथोलॉजी में क्या हम सर्च कराने जाते हैं? जैसे हम बीमार हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराना है, शुगर टेस्ट कराना है, कोई भी टेस्टिंग करानी, तो कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी वो प्लेस है जहाँ पर पैथोजेंस को सर्च किया जाता है, जहाँ पर पैथोजेंस को ट्रीट किया जाता है कि यहाँ पर कौन सा पैथोजेंस है, उस प्लेस को हम बोलते हैं पैथोलॉजी। अ प्लेस वेयर ट्रीट्स इसेंशियल नेचर ऑफ द डिजीज, इसेंशियल नेचर ऑफ द डिजीज आर इसेंशियल नेचर ऑफ पैथोजेंस भी यहाँ पे बोल सकते हैं, इसेंशियल नेचर ऑफ पैथोजेंस, क्योंकि डिजीज किससे होगी? डिजीज होगी आपकी पैथोजेंस से। सेकेंड वन इज द कम्युनिकेबल डिजीज। सम डिजीज स्प्रीड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी डिजीज जो वन प्लेस टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन होती है, जैसे आपका जुकाम है, ठीक है, स्नीचिंग है, कफिंग है, जैसे आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कोरोना। कोरोना क्या है? एक टाइप का सर्दी जुकाम है, ठीक है। तो ये स्प्रीड कैसे होता है? इसी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। फिर आपका आता है फूड पॉइजनिंग, कंजंक्शन ऑफ सच कंटामिनेटेड फूड। अच्छा, कंटामिनेटेड का क्या मतलब हुआ? कंटामिनेटेड का मतलब हुआ पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड जिसमें जर्म्स हैं। पॉल्यूटेड फूड कैन काज इलनेस एंड इट इज कॉल्ड एज द फूड पॉइजनिंग, मतलब बीमारी बढ़ाता है और इसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। अच्छा, एक वर्ड आता है पैंडेमिक, एक वर्ड आता है आपका, जैसे आप इस समय कोरोना चल रहा है तो आप देख रहे हैं, वर्ड सुन रहे होंगे, पैंडेमिक वर्ड आता है। अगर कोई भी डिजीज, एनी डिजीज, अगर वो वर्ल्ड वाइड स्प्रीड होती है, एनी डिजीज दैट स्प्रीड वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड पैंडेमिक, तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक। ओके, अब आइए हम लोग कुछ डिजीज के बारे में स्टडी। सम कॉमन डिजीज कॉज्ड इन द एनिमल्स, कैटल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स। सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, some common disease caused by the virus in the human being, written here some common communicable disease and their agents। ये कुछ communicable disease यहाँ पर दी हैं और ये उनके agents दिए। agents का मतलब होता है कि जो वो उसको काज करता है। देखिए, first of all by the virus, virus है ये जो common disease given है यहाँ पे। देखिए, ये होती कैसे है, ये जो common cold है ये जो फैलती है air से फैलेगी। फिर आपका आता है influenza, ये भी air से होगी। ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये एयर से तो होती ही होती है, इसके साथ साथ फिजिकल कांटेक्ट से भी होती है। अब ये फिजिकल कांटेक्ट कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी को कंजक्टिवाइटिस है, उसकी हैंकी आपने ले लिया और उस हैंकी से आपने आइस पे टच करा दिया, या आपने वो स्वेटिंग जो है वो क्लीन किया, तो उससे कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। फिर आपका आता है चिकन पॉक्स। ये जो चिकन पॉक्स है ये आपका एयर से भी होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से भी होता है। नेक्स्ट वन इज द पोलियो। ये पोलियो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है, ठीक है। तो ये वायरस से डिजीज है, और ये जो ऊपर अभी डिजीज है ये ह्यूमन बीइंग में होती है। फिर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो डिजीज है कॉलरा है, कॉलरा होता है कंटामिनेटेड वाटर की एंड फूड की वजह से। टाइफाइड, ये भी कंटामिनेटेड वाटर और फूड की वजह से होती है। और अगर आप किसी को टाइफाइड है उसकी कांटेक्ट में कोई जाता है तो उसको भी होने की चांसेस रहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस थ्रू द एयर, ट्यूबरकुलोसिस थ्रू द एयर। नेक्स्ट वन इज द फंजी। फंजी से रिंग वार्म होती है, जिसको हिंदी में दांत खाज खुजली कहते हैं, आपने सुना होगा। प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा से रिंग वार्म और मलेरिया हो जाता है। देखो, मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया होता है एनोफिलीज
फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से, ठीक है। ये जो मलेरिया के प्रोटोजोमन्स होते हैं ये फीमेल एनोफिलीज में रहते हैं, जब वो बाइट करती है, जब वो फीमेल एनोफिलीज काटती है तो अपना जो उसके निडल जैसा पोर्शन होता है वो पिंच कराती है, और जब वो पिंच कराती है तो उस वो स्लाइवा का वन ड्राप हमारी बॉडी में इंटर कराती है, और उस स्लाइवा में ये प्रोटोजोमन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं और मलेरिया हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन डिजीज थी जो ह्यूमन बीइंग में होती हैं। नेक्स्ट वन इज द डिजीज इन द एनिमल्स, कुछ डिजीज हैं जो एनिमल्स में होती हैं। देखिए, बाय द बैक्टीरिया एंथ्रैक्स, ये कैटल में होता है। अच्छा, कैटल का ये मतलब है ग्रेजिंग एनिमल, यहां पे कैटल्स का मीन्स है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एनिमल, कहीं पे भी कैटल लिखा होगा उसका मतलब होता है ग्रेजिंग एनिमल। ग्रेजिंग का मतलब जो जानवर चरते हैं, जो जानवर चरते हैं, घास खाते हैं, जैसे आपका है काऊ, बफेलो, गोट, सीप, डियर, ये सब आपके कैटल में आते हैं। एंथ्रैक्स कैटल, एंथ्रैक्स जो है कैटल में होता है। फिन रॉट ए डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है और फिश में हो जाती है। बोटुलिज्म, ये भी कैटल्स में होती है, कैटल में। वायरस से डिजीज होती है रेंडर पेस्ट, इट इज द, इसको कैटल प्लेग भी बोलते हैं, इसे कैटल प्लेग बोलते हैं और ये कैटल में होती है। फूट एंड द माउथ डिजीज, ये भी कैटल में होती है, ठीक है। लास्ट में आपकी एक वाई डिजीज मेनिनिंगो इंसेफेलाइटिस, ये डिजीज भी जो है वो कैटल में होती है। दिस डिजीज इज ऑल्सो इन कैटल। तो ये आपके कुछ डिजीज थे जो हम लोगों ने जिसकी स्टडी की। अब हम लोग इसमें आगे जो है स्टडी करेंगे डिजीज इन द प्लांट्स एंड फूड स्पॉयलर्स। नाउ सब कॉमन डिजीज इन प्लांट्स, फर्स्ट डिजीज कास्ट बाय द फंजी, अर्ली ब्लाइट इन द टोमेटो में एक डिजीज हो जाती है उसको बोलते हैं अर्ली ब्लाइट। स्मट इन द मेज में एक डिजीज होती है उसको बोलते हैं स्मट। नेक्स्ट डिजीज कास्ट बाय बैक्टीरिया सिट्रस कैंकर, आपने सिट्रस फ्रूट देखे होंगे लाइक द लेमन, मौसमी, उसके ऊपर जो ग्रीन कलर के ऊपर अपर लेयर होती है उसके ऊपर व्हाइटिस कलर फंगस जैसा लग जाता है, उसी को बोलते हैं सिट्रस कैंकर, बट ये डिजीज होती है ड्यू टू द बैक्टीरिया। उसके बाद आता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमने पीछे वर्ड पढ़ा था फूड पॉइजनिंग, उससे रिलेटेड पढ़ते हैं कि स्पॉयलेज ऑफ फूड, ये स्पॉयलेज ऑफ फूड क्या है। आपने देखा होगा कि हम लोगों के घरों में जो खाना बनता है वो खाना अगर उसको प्रॉपरली अगर रखा ना जाए, प्रॉपर प्रिजर्व ना किया जाए तो थोड़े टाइम बाद क्या होती है उसमें से बैड स्मेल आने लगती है और बोलते हैं कि फूड जो है स्पॉयलेज हो गया है, या बोलते हैं कि खाना सड़ गया, खराब हो गया, ये डिफरेंट वर्ड्स घर में यूज किए जाते हैं। आइए हम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फूड पॉइजनिंग काजेज डिहाइड्रेशन, देखिए फूड पॉइजनिंग क्या है, अगर आपने वही फूड ले लिया, खाना खा लिया तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये सब सिम्टम्स हैं कि फूड पॉइजनिंग होने से क्या होगा, डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी में दिखाई देंगे। दिस काजेस द वीकनेस एंड फैटिग, इससे क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी और बहुत सारी थकान फील होगी। और इसके रीजन क्या क्या है, ये किसकी वजह से होता है, सम बैक्टीरिया लाइक द क्लोस्ट्रीडियम स्टेफाइलोकोकी, ये दो बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, जिनकी वजह से हमारा फूड खराब हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फूड कौन सा खराब होता है, जैसे आपकी वेजिटेबल है, आपकी पल्सेस हैं, फिर एक फंजाई होता है इसको बोलते हैं स्पर्गिलस, ये जो स्पर्गिलस फंजाई है ये, और ये दो बैक्टीरिया हैं क्लोस्ट्रीडियम स्टेफाइलोकोकी, इन दोनों की वजह से यहाँ पर फूड पॉइजनिंग होती है। ये तीन रीजन हैं, ये तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी, होते और भी हैं, हम लोग यहाँ पे केवल 3 स्टडी कर रहे हैं कि ये 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है, जो मेनली है, जो फेमस है, जिनके नाम आपके लेवल पे क्लास 8th में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये तो हो गया आपका फूड पॉइजनिंग, ठीक है, खाना हमारा खराब हो गया, अगर हम खराब खाना खा लेते हैं या स्पॉइलेज फूड को टेक करते हैं तो जो हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और इसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। उसके बाद आता है हाउ डू वी नो फूड स्पॉयलेज, देखिए हम स्पॉयलेज फूड खाने से बचें इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फूड में कैसा सिम्टम दिखाई दे, फूड में कैसा सिम्टम दिखाई दे तो हम जान जाएं कि फूड स्पॉयलेज हो गया है, फूड स्पॉइल्ड हो गया है। हाउ डू वी नो फूड स्पॉइल्ड,
चेंज इन द कलर ऑफ द फूड, एक तो फूड के कलर चेंज हो जाता है, फूड का कलर चेंज हो जाता है। सेकेंड वन इज द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ फूड, उसका जो ऑर्डर, ऑर्डर का क्या मतलब स्मेल, अगर आप उसको स्मेल करेंगे तो उसकी जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि इसका ऑर्डर चेंज है। स्लाइमी सरफेस मतलब उसकी जो सरफेस होती है वो स्लाइमी हो जाती, चिकनी हो जाती, जैसे दाल है, दाल की जो ऊपर की लेयर होती है ऐसे लगता है कि उस पर बिल्कुल कोई वाटर फ्लोट कर रहा हो, ठीक है, इस तरह से सो होता है। सोर टेस्ट, टेस्ट जो है वो खट्टा हो जाता है, जैसे मान लीजिए दाल में अगर आपकी टोमेटो पड़ा है या कोई अनदर थिंग्स पड़ा हुआ है तो ठीक है, ठीक है, खटाई पड़ी है या मैंगो, रा मैंगो पड़ा है तो ठीक है, खट्टा होता है, लेकिन अगर फूड स्पॉइलेज हो जाता है तो बिना ये सब पड़े हुए भी खट्टा लगता है। गैस फॉर्मेशन, और उसमें छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, ये फूड स्पॉइलेज आपने पढ़ा। देखिए फूड स्पॉइलेज की अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो आप सबके घरों में दाल बनती है, थोड़ी सी आप दाल ले लीजिए, और दाल जैसे दाल मान लीजिए दोपहर में 12 बजे बनी, ठीक है, तो आप क्या करिए, फ्रिज में नहीं रखनी है दाल, जो बाहर कुकर में बना के रखी गई थोड़ी सी दाल आप कटोरी में रख लीजिए, दूसरे दिन आप दोपहर में उसको देखिए, दूसरे दिन आप उसको दोपहर में देखिए, आपको 24 आवर में उसमें ये जाल जितने सिम्टम्स हैं सब दिखाई देंगे, आप उसकी स्मेल लीजिए आपको बैड स्मेल पता चलेगी, उसके ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है गैस फॉर्मेशन, उसका ऑर्डर स्मेल आपको अलग दिखेगी, उसका आपको कलर दिखेगा, जब दाल बनी हो तब का कलर देखिएगा और बाद का कलर देखिएगा, और ये जो स्लाइमी सरफेस है ऊपर, आपको पहले आप दाल देखेंगे तो आपको खुरदरी खुरदरी सी लगेगी, रफ सरफेस लगेगी, लेकिन जब फूड स्पॉइलेज हो जाता है तो उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल है, ये टेस्टिंग आप लोग कर सकते हैं अपने घरों में। तो ये आज आप जो हमारा चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया, हम लोगों ने इस चैप्टर की स्टडी की। अगर आपको मेरी स्टडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।